फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ वर्बल क्वेश्चन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले उसका रूल लिख लेंगे। तो दोस्तों, पैसिव वॉइस ऑफ वर्बल क्वेश्चन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस S2 प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहला एग्जांपल अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हैड आई ब्रोकन द पॉट, क्या मैं पॉट मतलब कोई बर्तन, मिट्टी का बर्तन तोड़ चुका था। तो मैं क्या तोड़ चुका था, तो द पॉट। अब पॉट एक ही है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर हैड इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस टेंस में, परफेक्ट टेंस में, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होने की वजह से हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई प्लूरल नाउन हो या फिर सिंगुलर नाउन हो, हम लोगों को हैड ही इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है। तो हैड द पॉट, उसके बाद में बीन स्ट्रक्चर वाइज, उसके बाद ब्रोकन V3, और V3 भी यहाँ पे हम लोगों को रेडीमेड मिलता है, तो उसका भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें भी। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है, तो बाय और बाय के बाद आई की ऑब्जेक्टिव केस है मी और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, हैड द पॉट बीन ब्रोकन बाय मी। नेक्स्ट एग्जांपल, हैड शी सॉन्ग अ सॉन्ग इन स्कूल, क्या उसने स्कूल में गाना गाया था या फिर क्या वह स्कूल में गाना गा चुकी थी। तो फ्रेंड्स, वह स्कूल में क्या गा चुकी थी, तो अ सॉन्ग, तो लिख लेंगे हैड अ सॉन्ग। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद V3 है सॉन्ग, हैड अ सॉन्ग बीन सॉन्ग। उसके बाद इन स्कूल क्या है, कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद है बाय, और बाय के बाद शी के ऑब्जेक्टिव केस है हर और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, हैड अ सॉन्ग बीन सॉन्ग इन स्कूल बाय हर। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, हैड वी मेड अ टेबल, हैड वी मेड अ टेबल मतलब क्या हम टेबल बना चुके थे, तो हम क्या बना चुके थे, टेबल। तो टेबल क्या है, ऑब्जेक्ट है, हैड अ टेबल। उसके बाद में बीन, उसके बाद मेड V3, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो बाय और बाय के बाद वी के ऑब्जेक्टिव केस है अस और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस कैसे बना, हैड अ टेबल बीन मेड बाय अस। अगला एग्जांपल, हैड सचिन थ्रोन अ बॉल टुवर्ड विराट, क्या सचिन विराट की तरफ बॉल फेंक चुका था। तो सचिन विराट की तरफ क्या फेंक चुका था, तो बॉल। तो बॉल क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हैड लिख लेंगे स्ट्रक्चर वाइज, उसके बाद में अ बॉल, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, हैड अ बॉल बीन, उसके बाद V3 थ्रोन, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट क्या है, सेंटेंस में है कॉम्प्लीमेंट टुवर्ड विराट, तो टुवर्ड विराट लिख लिया। उसके बाद बाय और बाय के बाद जो नाउन है सचिन, वो जैसा का वैसा लिख लेंगे और पीछे से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस कैसे बना, हैड अ बॉल बीन थ्रोन टुवर्ड्स विराट बाय सचिन। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग ऐसे सेंटेंसेस लेंगे जिनमें दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी उस सेंटेंस में रहेगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी उस सेंटेंस में रहेगा। तो सबसे पहला वाला एग्जाम्पल, हैड ही आस्क्ड क्वेश्चंस टू हर, क्या वह उससे सवाल पूछ चुका था। हैड ही आस्क्ड क्वेश्चंस टू अस, तो वह उसे क्या पूछ चुका था, तो क्वेश्चंस मतलब सवाल, यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वह किसे सवाल पूछ चुका था, तो उसे मतलब टू हर, यह है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बना के देखते हैं। तो हैड क्वेश्चंस, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद V3 है आस्क, उसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू हर, वो V3 के बाद हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस पे नहीं है, तो बाय
और बाय के बाद ही के ऑब्जेक्टिव केस है हिम। और क्वेश्चन मार्क, तो सेंटेंस कैसे बना, हैड अ क्वेश्चन बीन आस्क्ड टू हर बाय हिम। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हर की नॉमिनेटिव केस क्या है, मतलब हर अगर सब्जेक्ट की जगह पर आता है तो शी बन जाता है, मतलब नॉमिनेटिव केस में हर के ऑब्जेक्टिव केस है शी। तो लिख लेंगे हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी, हैड शी, उसके बाद बीन स्ट्रक्चर वाइज, उसके बाद आस्क्ड, उसके बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो जैसा का वैसा, क्वेश्चन, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो बाय, और बाय के बाद ही के ऑब्जेक्टिव केस है हिम, और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, हैड शी बीन आस्क्ड क्वेश्चंस बाय हिम। तो फ्रेंड्स, अगला एग्जांपल, हैड वी शोन अ मूवी टू देम, क्या हम उन्हें मूवी दिखा चुके थे, तो हम उन्हें क्या दिखा चुके थे, तो आंसर मिलेगा मूवी, तो मूवी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हम किसे मूवी दिखा चुके थे, तो उन्हें, तो उन्हें टू देम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं, तो हैड अ मूवी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद वी थ्री है शोन, उसके बाद ये जो टू देम है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जैसा का वैसा लिख लेंगे टू देम, उसके बाद सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो छोड़ देंगे, उसके बाद बाय, और बाय के बाद वी के ऑब्जेक्टिव केस है अस, और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, हैड अ मूवी बीन शोन टू देम बाय हर। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बना के देखते हैं। तो फ्रेंड्स, देम अगर नॉमिनेटिव केस में आता है, मतलब सब्जेक्ट की जगह पर आता है, तो क्या बन जाता है, दे, तो लिख लेंगे हैड दे, उसके बाद बीन, उसके बाद वी थ्री है शोन, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है अब वही हो जैसा का वैसा लिख लेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और बाय के बाद वी की ऑब्जेक्टिव केस जो है वो है अस, और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, हैड दे बीन शोन अ मूवी बाय अस। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, हैड प्रतीक्षा गिवन मी अ गिफ्ट, हैड प्रतीक्षा गिवन मी अ गिफ्ट, मतलब क्या प्रतीक्षा मुझे गिफ्ट दे चुकी है, तो इसमें भी दो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहते हैं, तो सवाल पूछ के देखते हैं, प्रतीक्षा मुझे क्या दे चुकी है, तो अ गिफ्ट, तो यह है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रतीक्षा किसे गिफ्ट दे चुके हैं, तो मुझे, तो मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके करते हैं, हैड अ गिफ्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वी थ्री है गिवन, उसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो टू से जोड़ना पड़ेगा टू मी, उसके बाद सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और बाय के बाद जो नाउन है प्रतीक्षा वो जैसा का वैसा लिख लेंगे। तो सेंटेंस कैसे बना, हैड अ गिफ्ट बीन गिवन टू मी बाय प्रतीक्षा। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं, तो मी सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो क्या बन जाएगा, आई, क्योंकि आई क्या है नॉमिनेटिव केस है और मी क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम लोग लिख लेंगे हैड आई, उसके बाद बीन, उसके बाद वी थ्री है गिवन, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो जैसा का वैसे लेंगे या गिफ्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, उसके बाद जो नाउन है प्रतीक्षा वो लिख लेंगे और पीछे से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस कैसे बना, हैड आई बीन गिवन अ गिफ्ट बाय प्रतीक्षा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, हैड शी बेग्ड मनी टू हर फादर, मतलब क्या वह उसके पिताजी से पैसे मांग चुकी थी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट कौन कौन से है, तो वह उसके पिताजी को क्या मांग चुकी थी, तो पैसे, पैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वह किसे पैसे मांग चुकी थी, तो उसके पिताजी को, तो टू हर फादर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेंगे मनी, तो हैड मनी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद वी थ्री है बेग, बेग मतलब मांगना, उसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू हर फादर वो जैसा का वैसा लिख लेंगे, उसके बाद बाय, और बाय के बाद शी के ऑब्जेक्टिव केस है हर, और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, हैड मनी बीन बेग्ड टू हर फादर बाय हर।
अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हर फादर, तो लिख लेंगे हैड हर फादर। उसके बाद बीन, उसके बाद V3 रेडीमेड ही हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है परफेक्ट टेंस में। तो हैड हर फादर बीन बेग्ड, अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मनी, वो जैसा का वैसा लिख लेंगे। मेन वर्ब के बाद मनी, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो बाय, और बाय के बाद ये जो शी है सब्जेक्ट की जगह पर उसकी नॉमिनेटिव केस है हर। तो सेंटेंस कैसे बना? हैड हर फादर बीन बेग्ड मनी बाय हर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैड आई मेड अ वीडियो और यूट्यूब, क्या मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना चुका हूँ? मैं यूट्यूब के लिए क्या बना चुका हूँ? तो वीडियो, अब वीडियो क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग लिख लेंगे हैड अ वीडियो। उसके बाद स्ट्रक्चर वाइज हम लोग लिखेंगे तो बीन, उसके बाद V3 है बेड, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है फॉर यूट्यूब, उसके बाद बाय, और बाय के बाद आई के ऑब्जेक्टिव केस है मी। और क्वेश्चन मार्क, तो सेंटेंस कैसे बना? हैड अ वीडियो बीन मेड फॉर यूट्यूब बाय मी। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, हैड ही रिटर्न अ लेटर टू अस, क्या वह हमें खत लिख चुके थे? तो पहले हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो वह हमें क्या लिख चुके थे? तो अ लेटर, तो अ लेटर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वह किसे खत लिख चुके थे? तो हमें, तो हमें है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं, हैड अ लेटर। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद स्ट्रक्चर में है V3 जो है रिटर्न, उसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू अस, ये जैसा का वैसा लिख लिया। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है, उसके बाद है स्ट्रक्चर में बाय, और बाय के बाद दे के ऑब्जेक्टिव केस है देम। और क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो अस ऑब्जेक्ट की जगह पर है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में है तो अस है, लेकिन ये अस अगर सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो नॉमिनेटिव केस में आएगा तो उसका बन जाएगा वी, तो हैड वी। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद स्ट्रक्चर में V3 जो है रिटर्न, उसके बाद में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो जैसा का वैसा अ लेटर, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है, उसके बाद है बाय, और बाय के बाद दे के ऑब्जेक्टिव केस है देम। और क्वेश्चन मार्क, तो सेंटेंस कैसे बना? हैड वी बीन रिटर्न अ लेटर बाय देम। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलती रहे। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।